नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। आज के वीडियो में मैं आपको ट्रेन नंबर 14205 फैज़ाबाद दिल्ली एक्सप्रेस के बारे में जानकारी दूंगा। इस वीडियो में मैंने इस ट्रेन के रूट, ये ट्रेन कब चलती है, कौन कौन से स्टेशनों पर रुकती है, कितनी देर रुकती है, इस ट्रेन में आपको कौन कौन सी सुविधाएँ मिल जाएंगी, इस प्रकार की सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल द रेल यात्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे नए और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है हमारे सब्सक्राइबर अब्दुल रहमान खान जी ने। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको ट्रेन नंबर 14205 फैज़ाबाद दिल्ली एक्सप्रेस के बारे में जानकारी देता हूँ। ये ट्रेन उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद जंक्शन से दिल्ली जंक्शन तक चलती है। ये ट्रेन हर दिन फैज़ाबाद जंक्शन से शाम 5:25 पर चलती है और अगले दिन दिल्ली जंक्शन रात 4:30 पर पहुँचती है। इस ट्रेन को फैज़ाबाद जंक्शन से दिल्ली जंक्शन तक के 615 किलोमीटर के डिस्टेंस को पूरा करने में 11 घंटे 5 मिनट का समय लगता है। इस पूरी जर्नी में ये ट्रेन 9 स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकते हुए दिल्ली जंक्शन पहुंचती है और इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। अब मैं आपको इस ट्रेन की केटरिंग या फिर खान पान से संबंधित जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं होती है, लेकिन इस ट्रेन में आपको ऑनबोर्ड केटरिंग और ई केटरिंग की सुविधा मिल जाएगी। इस ट्रेन में आपको तत्काल की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन इस ट्रेन में प्रीमियम तत्काल वाली श्रेणी नहीं होती है, इसीलिए आपको वो सुविधा इस ट्रेन में नहीं मिलेगी। अब मैं आपको इस ट्रेन के लोकोमोटिव के बारे में जानकारी देता हूँ। ये ट्रेन डीजल लोकोमोटिव से चलती है फैज़ाबाद जंक्शन से दिल्ली जंक्शन तक। इस ट्रेन का लोकोमोटिव कहीं पर भी चेंज नहीं किया जाता और इस ट्रेन का लोकोमोटिव हमेशा WDM-3A होता है। अब मैं आपको इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन या फिर कोच कॉम्पोजिशन के बारे में जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन में 6 जनरल क्लास वाले कोच, 7 स्लीपर क्लास वाले कोच, 2 थर्ड एसी क्लास वाले कोच, 1 सेकेंड एसी क्लास वाला कोच और 1 फर्स्ट एसी और सेकेंड एसी का कंपोजिट कोच इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन में होता है। दोस्तों, मैंने इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन वाला पूरा लेआउट अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बनाया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हो कि इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन में कोचेस की पोजीशन क्या होती है। ये ट्रेन फैज़ाबाद जंक्शन से छूटने के आधे घंटे पहले स्टेशन पर आकर लग जाती है। इस ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने के 3 घंटे पहले भारतीय रेल द्वारा बना दिया जाता है। अब मैं आपको इस ट्रेन के रूट के बारे में जानकारी देता हूँ कि ये ट्रेन कौन से रूट से होकर दिल्ली जंक्शन पहुँचती है और इस ट्रेन को कौन कौन से स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकना होता है इस ट्रेन की पूरी जर्नी में। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, ये ट्रेन फैज़ाबाद जंक्शन से हर दिन शाम 5:25 पर चलती है। इस ट्रेन का पहला हॉल्ट दरियाबाद, यहाँ पर ट्रेन शाम 6:12 पर पहुँचती है और 6:14 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट बाराबंकी जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन शाम 6:58 पर पहुँचती है और 7 बजे ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर भी ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट लखनऊ चारबाग, यहाँ पर ट्रेन शाम 7:50 पर पहुँचती है और 8 बजे ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट शाहजहाँपुर, यहाँ पर ट्रेन रात 10:33 पर पहुँचती है और 10:35 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का पांचवा हॉल्ट बरेली जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात 11:35 पर पहुँचती है और 11:43 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 8 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का छठा हॉल्ट रामपुर जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात 12:36 पर पहुँचती है और 12:38 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का सातवां हॉल्ट मुरादाबाद जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात 1:18 पर पहुँचती है और 1:23 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का आठवां हॉल्ट हापुर जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात 2:48 पर पहुँचती है और 2:50 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का नवां हॉल्ट गाजियाबाद जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन रात 3:38 पर पहुँचती है और 3:40 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर भी ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दसवां हॉल्ट
दिल्ली जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात 4:30 पर पहुँचती है। दिल्ली जंक्शन इस ट्रेन का डेस्टिनेशन हॉल्ट है, या फिर आप इसे अंतिम स्टेशन भी कह सकते हो। दोस्तों, मैंने इस ट्रेन के किराए और किराए से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी इस वीडियो में नहीं दी है, क्योंकि जितने भी स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकते हुए ये ट्रेन दिल्ली जंक्शन पहुंचती है, हर स्टेशन से अलग अलग टाइप का किराया होता है और बहुत सारी श्रेणियों में भी होता है। अगर मैं वो सारी जानकारी इस वीडियो में देता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने वो जानकारी इस वीडियो में नहीं दी है। लेकिन अगर आपको किराए और किराए से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इंडियन रेलवेज़ के रिजर्वेशन काउंटर या फिर इंडियन रेलवेज़ के ऑफिशियल वेबसाइट IRCTC से आप क्लियर कर सकते हो कि आपका किराया क्या होगा जिस भी स्टेशन से आप इस ट्रेन में सफ़र करना चाहते हो। दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसा था। एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।